हमसे मेरा इकलौता बेटा है, अब अपने मुंह से उसकी मैं क्या तारीफ करूं। लेकिन सच बता रही हूं बहन, मेरा बेटा हीरा है, हीरा। गाड़ी में बैठ। नहीं, मैं ऑटो कर लूंगी। गाड़ी में बैठो वरना मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। सेम सेम अम्मी 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 जेब 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 आके हादी अम्मी क्या हुआ जेब जेब बेहोश अम्मी क्या हुआ जेब को जेब उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। ईशा आ जाओ यार, कब तक मुंह धोती रहोगी? आ रही हूँ अम्मा। आज तो बहुत भूख लगी है यार। थोड़ी देर पहले तो तुम्हें भूख नहीं थी। वो मैंने गुस्से में कह दिया था, फिर मैंने सोचा कि अम्मी का गुस्सा तुम बर्दाश्त, ऊपर से मैं भी तुम पे गुस्सा। नहीं, मैंने उनकी किसी बात का बुरा नहीं माना। सच में बड़ी हिम्मत है भाई तुम्हारी, तुम्हें तो अवार्ड चाहिए, क्योंकि अम्मी का गुस्सा बड़ी हिम्मत की बात है, कोई बर्दाश्त कर। यार खाना खाओ। और मैंने तुमसे कहा था कि घर वालों ने समय खाना खा, हमें भूखा रहने का कोई फायदा। तुम्हें किसने बताया? अप्पी नहीं खाना गर्म करती, वो लोग ये समझे कि हम लोग घर से खाना खा कर आएंगे और इसलिए हम लोग खाना खाएंगे। बेटा मैंने कहा था ना कि बहुत अच्छे लोग हैं, और मुझे तो सुबह ही से मिलके ही अंदाजा हो गया था। सुबह? अरे वही लड़की जो इरज को पार्क में मिली थी, बहुत अच्छी लड़की है, और मुझे तो लगता है अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है। अब के जाऊंगी ना तो पूछूंगी जरूर। आपको किसी के पर्सनल मामलात में मुदाखलत करने की क्या जरूरत है? बेटा अपनाइयत के रिश्ते में सब चलता है, एक दूसरे के दुख दर्द बांटे जाते हैं, दूसरे के मसाइल को समझने और उन्हें हल करने की कोशिश की जाती है। 30 साल की तो होगी वो, और शादी की उम्र भी उसकी गुजर गई है। लेकिन बेटा जब वो इतनी अच्छी है तो उसकी शादी क्यों नहीं हुई? आपको ये सब बातें करने की क्या जरूरत है? पर इस तरह किसी से फ्री हो जाना ठीक नहीं है। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, बहुत सादा और अच्छे लोग हैं। और तुम्हें पता है उसकी अम्मी ने तो मुझे बहन बना लिया है, बहुत मोहब्बत से मिली। और इरज तो जैसे वहां जाके मुझे भूल ही गई, सारा वक्त सुबह ही के साथ लगी रही। वो लाग अच्छा, फिर भी यूं किसी के बारे में राय कायम नहीं करनी चाहिए, 2-4 मुलाकातों के बाद ही पता चलता है कि वो लोग कैसे हैं। बेटा मैंने दुनिया देखी है और खानदानी लोग अलग ही नजर आते हैं। अभी तुम उनसे मिले नहीं हो ना, जब मिलोगे तो ऐसा ही सोचोगे। चलें जो आपको बेहतर लगे, लेकिन फिर भी आप मोहतात रहिए। बेटा तुम परेशान ना हो और शक और शुभात को अपने दिल से निकाल दो, मुझे जिंदगी का तजर्बा है। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था अम्मी? सुबह सुरैया का फोन था। खैरियत? वो बता रही है कि ज़ेबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अस्पताल से होकर आई है। क्या हुआ? और उन लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया? बस परेशान नहीं करना चाहती थी। हुआ क्या है उसको? चक्कर आए हैं,
ड्रिप लगी है उसको। डॉक्टर ने कहा कि बहुत कमजोर है, ताकत की कुछ दवाइयाँ दी हैं। और वो ये भी कह रही थी कि उन्होंने तो उसको बहुत समझाया है कि छोटी-छोटी बातों की टेंशन ना लें, अब हम भी आके उसको समझाएं। लेकिन टेंशन किस बात? हादी इतना अच्छा है, उसकी सांस इतनी अच्छी है, फिर क्यों? ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन तुम्हें ज़ेबा की आदत का पता है ना कितनी वहमी है वो। अभी पिछले दिनों आई थी तो कह रही थी कि वो लोग बहुत फजूल खर्ची करते हैं, मुझे टेंशन होती है। अब पहले इसमें टेंशन वाली क्या बात है? वो फजूल खर्ची करें या कंजूसी करें, वो अपने बलबूते पर जीते हैं, किसी से लेके नहीं खाते वो लोग। जैसा मर्जी अपना पैसा खर्च करें, उनकी अपनी मर्जी है। हाँ, हमें वहां जाना चाहिए। हाँ बेटा, चलते हैं, दोपहर भी चलते हैं। जब देखो काम करती रहती हो तो बैठो बैठो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। और तुम्हें पता है मेरी सासू जी को सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत है। सासू जी के बेटे का क्या, वो क्या करें? अच्छी बीवियां पहले शौहर की खिदमत करती हैं, उनकी हेल्प करती हैं। मैं तुम्हारी सारी चीजें निकाल कर सामने रखाई थी, तुम्हें आवाज भी दी थी, लेकिन तुम गहरी नींद में थे। सुनो। कहो। प्यारी लग रही है। जानती हूँ, प्यारी हूँ तो प्यारी ही लगूंगी ना। इसका क्रेडिट भी मुझे जाता है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें प्यार से देखता हूँ तो तुम प्यारी लगती हो। वेरी बैड। क्यों? हर अच्छी चीज का क्रेडिट तुम खुद ले लेते हो। सुनो, आज लंच बाहर करेंगे। लंच? आज ऑफिस में कुछ खास काम नहीं है, जल्दी फ्री हो जाऊंगा। लेकिन अम्मी, उनकी भी गर्दन मत करो, मैं उन्हें बोल दूंगा, बस तुम रेडी रहना। आज हम उन सारी जगहों पे जाएंगे जहां हम शादी से पहले जाते थे। तो फिर हम बाइक पे चलेंगे। बाइक पे क्यों? अमार, जब मैं तुम्हारे साथ बाइक पर बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम दोनों के दरमियान कोई फासला नहीं। वालेकुम सलाम। हमारा तुम आज अपनी गाड़ी छोड़ के जा सकते हो, मुझे सब वही को ज़ेबा की तरफ जाना है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। खैरियत तो है? हाँ हाँ, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस खैरियत है। ठीक है, मैं बाइक से चले जाऊंगा। रोज रोज क्यों नहीं जा सकते दादी? बेटा, रोज किसी के घर जाना अच्छी बात नहीं है। क्या सोचेंगे वो लोग कि हम रोज उनके घर आके बैठ जाते हैं? अगर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगी, वो बहुत अच्छी हैं। मुझे भी पता है वो बहुत अच्छी हैं, मैंने कब कहा वो बुरी हैं। लेकिन बेटा, अभी नई नई दोस्ती है, कुछ दिन गुजर जाए, अच्छे ताल्लुकात हो जाए तो फिर हम रोज उनके घर चले जाया करेंगे। अजीब बात करती हैं दादी आप भी, रोज रोज नहीं जाएंगे तो ताल्लुकात कैसे पक्के होंगे, और कभी कभी जाने से तो दोस्ती भी पक्की नहीं होती। अच्छा बड़ी भी, तुम्हारी बात पे मैं गौर करूंगी, लेकिन अभी तुम सो जाओ। शाबाश। ठीक है, मैं अभी सो जाती हूँ, लेकिन जब मैं उठूंगी तो आपको मुझे लेके जाना पड़ेगा। बेटा समझा करो, हम अभी उनके घर नहीं जा सकते, तुम्हारे बाबा सुनेंगे तो बहुत नाराज होंगे। बाबा तो हर वक्त गुस्से में रहते हैं। बात बेटा, अपने बाबा के लिए ऐसा कह रही हो? मैं उनकी शिकायत नहीं कर रही,
बल्कि आपको बता रही हूँ कि वो हर वक्त नाराज रहने लगे, पता नहीं क्यों। कोई ऐसी बात नहीं है बेटा, काम बहुत है ना, वो थक जाते हैं इसलिए चिड़चिड़े हो गए। तो क्यों करते इतना काम, मुझे अच्छा नहीं लगता। और दादी आपको पता है, आप तो कोई मेरे साथ खेलते भी नहीं है ना, बात करते हैं, हर वक्त गुस्से में रहते। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा को समझाऊंगी, लेकिन अभी बेटा तुम प्लीज सो जाओ, सही है? अस्सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी मेरा चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा है। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बना देती हूँ। नहीं फ्रेश मैं बाद में आऊँगी, पहले चाय पीने। ठीक है। भाभी अम्मी और अपिया कहाँ हैं? जेबा की तरफ गई हैं। अच्छा भाभी, कल आप अपने घर गई थी काफ़ी दिनों बाद, आपके पापा की तबीयत कैसी है? पहले से काफ़ी बेहतर है। ये तो अच्छी बात है। वैसे आप इतने दिनों बाद गई थी तो आपके पापा कितने खुश हुए होंगे ना? हाँ खुश तो हुए, आजकल वो वैसे भी बहुत खुश है। आशान की शादी के बारे में सोच रहे हैं, मामा ने लड़की भी ढूंढ ली है। लड़की का नाम शहजीन है, बहुत खूबसूरत है, इस्लामाबाद में रहती है, मामा की फ्रेंड की भांजी है वो। ये क्या कह रही हैं आप? क्या मतलब? आशान भाई की शादी नहीं हो सकती क्या? भाभी आप तो जानती हैं ना। सबा तुम और आशान भाई जो सोच रहे हो ना, वो नामुमकिन है। मगर फिर भी। फिर भी क्या? अगर मैं मामा से कहूं तो वो कल ही रिश्ता लेकर आ जाए, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा सबा। मगर बात मेरे भाई मेरी मामा के चाहने या ना चाहने की नहीं है, मसला हमारे इस घर का है, तुम्हारी अम्मी का है। तुम उनसे बात कर सकती हो? सबा तुम जानती हो ना कि मेरी इस घर में क्या औकात है। अब अगर ये बात मेरे रेफरेंस से सामने आएगी तो मुझ पर कितने इल्जाम लगाए जाएंगे। तुम में इतना हौसला है तो तुम मम्मी से बात कर लो। अगर ये रिश्ता हो जाता है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती सबा। अरे बाबा जब मैं कह रहा हूं तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? अगर भाभी ने ये बात कही है तो इसमें कोई ना कोई हकीकत तो जरूर होगी। झूठ उसने भी नहीं कहा है, ये सच है कि मामा मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी, उनकी फ्रेंड की कोई भांजी है, लेकिन मैंने मना कर दिया था। लेकिन भाभी तो कह रही है कि घर में आपकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हाँ तो आकर देख लो। मेरा मजाक का कोई मूड नहीं है आशान, और मुझे झूठी तसल्ली देने की भी कोई जरूरत नहीं है। जो भी बात है ना मुझे सच सच बता दें, ताकि मुझे जो भी दुख पहुंचना है ना वो एक ही दफा पहुंच जाए तो बेहतर है। अच्छा तो मेरी शादी होने से तुम्हें दुख पहुंचेगा? मगर आपको तो बहुत खुशी हो रही है ना लगता है। ठीक है जाएं और कर लें शादी, मैं अब आपको पूछूंगी भी नहीं। यानी कि मैं शादी कर लूं, तुम इजाजत दे रही हो? हाँ जाएं कर लें शादी, और आपको मेरी इजाजत की क्या जरूरत है? तुम्हारी इजाजत तो सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर तुमने काजी के सामने आकर कुछ कह दिया तो।
क्या हुआ? अब कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? तब मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्ही से शादी करूंगा, ये बात तुम हमेशा याद रखना। अमार, इतनी जल्दी? हाँ चलो। कहाँ? निशा मैं मजाक के मूड में नहीं, टाइम बहुत कम है, अम्मी के वापस आने से पहले हमें वापस आना है। तो अमार मैं भी मजाक नहीं कर रही, आई एम सीरियस। तुम्हें पता है अम्मी घर पर नहीं है और सबा अकेली है, तो उसे हम अकेला नहीं छोड़ के जा सकते ना। क्या मतलब सबा घर पे अकेली और हम नहीं जा सकते? अमार इसमें इतनी टेंशन लेने की क्या बात है, हम कल भी तो जा सकते हैं ना। ईशा तुम अच्छी तरह जानती हो अम्मी से इजाजत लेने में कितनी प्रॉब्लम होती है। मतलब आज तुम अम्मी से इजाजत लिए बगैर जा रहे हो? ईशा उन्हें पता कहां से चलता, हम उनके वापस आने से पहले आ भी जाते। अमार बात पहले ही बहुत उलझी हुई है, तुम मजीद मत उलझाओ। अम्मी चाहे जितनी भी खफा हो, हम उनसे इजाजत लिए बगैर नहीं जाएंगे। तुम कितनी बदल गई हो ईशा। अच्छा क्या मतलब? हाँ बात बात पे जिद करने वाली, अपनी बात मनवाने वाली ईशा गायब हो, एक जिम्मेदार बहू के रूप में ईशा सामने। अमार मैं सच में बदल गई हूँ। अच्छा अगर ऐसा है तो वो दिन दूर नहीं जब अम्मी मुझे गले लगा लेंगी। हाँ मगर मुझे वही ईशा चाहिए। कहाँ से? अम्मा तुम जब कहोगे मैं तुम्हारे मुताबिक बन जाऊंगी, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा ही रहने दो ताकि अम्मी खुश रहें। अम्मी खुश रहेंगी तो हम सब खुश रहेंगे ना। तुम वाकई प्यार के काबिल। इसका मतलब प्लान कैंसिल? जूही बच्चों को लेके कहाँ जा रही हो? मामा सिटी सेंटर में फैमिली फेस्टिवल लगा है तो मैंने सोचा कि इनको भी ले जाओ, इनकी आउटिंग हो जाएगी। फेस्टिवल में? वहाँ तो बड़ा रश होता है, तुम संभाल पाओगी बच्चों को? अरे मामा आप मुझे इतना भी गैर जिम्मेदार मत समझिए, बच्चे हैं मेरे, ऑफ कोर्स संभाल लूंगी। भाई डर लगता है अगर तुम्हारी वहाँ फ्रेंड्स मिल गई और तुम भूल गई कि बच्चे भी तुम्हारे साथ हैं। फॉर गॉड सेक मामा बच्चे हैं मेरे, कोई खिलौना नहीं के रखे भूल जाओगे। पहले कभी तुम लेकर नहीं गई ना, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि तुम भूल ना जाओ। अब ऐसा भी नहीं है कि इनको कहीं पे भी कभी भी नहीं लेकर गई मैं। दादू प्लीज आप भी चले ना हमारे साथ। मेरा बच्चा मैं जरूर जाती, तुम्हारे दादा घर पे है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं। प्लीज दादू। मेरा बच्चा ट्राई टू अंडरस्टैंड, दादा की तबीयत ठीक नहीं है ना, ठीक होते तो मैं जरूर चलती। ठीक है तो फिर हम चले जाते हैं। जा मेरा बच्चा खूब एंजॉय करना। बाय बाय दादू। अल्लाह हाफिज दादू। अल्लाह हाफिज। हम लोग पार्क जा रहे हैं, आप चलेंगे हमारे साथ? ठीक है जाओ। तुम भी जा रही? जी। बाबा आंटी के साथ थे। आप
आपको पता नहीं है, बच्चों के खेलने का एक मखसूस टाइम होता है। आप इस टाइम में आ रही हैं इसे लेकर रात को।